subscribe to Technical Geek HD and after that press the bell icon so you will never miss any other update. दोस्तों गैजेट टॉक्स के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। आज इस एपिसोड में मैं आपको 1.5 GB डेटा पर डे कौन से रिचार्ज में आपको मिल सकता है उसके बारे में बताने वाला हूं और सैमसंग ने अपना फ्लिप फोन लॉन्च कर दिया है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो पहली अपडेट जो सामने आ रही है वो ये है कि रिलायंस जियो के सस्ते रिचार्ज की वजह से सारी कंपनीज परेशान है। इसी कॉम्पिटिशन की देखरेख में वोडाफोन और भारतीय एयरटेल ने अपने रिचार्ज ऑफर्स में चेंजेस कर दिए हैं, जिसमें आपको दोनों नेटवर्क्स के अंदर 1.5 GB डेटा पर डे और अनलिमिटेड कॉल्स मिलेंगी, साथ में 100 SMS भी आपको फ्री मिलेंगे। तो ये बेनिफिट आपको 458 रुपीज के रिचार्ज में मिलेंगे, जिसमें आपको 70 डेज की वैलिडिटी मिलेगी। इसी के साथ जो दूसरा ऑफर है वो है 509 रुपीज का। 509 रुपीज के रिचार्ज में आपको फीचर सेम मिलेंगे, 1.5 GB डेटा पर डे और अनलिमिटेड कॉल्स और 100 SMS। साथ में आपको इसकी जो वैलिडिटी मिलेगी वो मिलेगी 84 डेज की। दोस्तों सेकेंड अपडेट जो सामने आ रहा है वो ये है कि सैमसंग का W2018 फ्लिप फोन फाइनली चाइना में आ चुका है। इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 का चिपसेट आपको मिलेगा, जिसमें 6 GB रैम आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसमें एंड्रॉइड का नॉगट वर्जन 7.1.1 सपोर्ट करेगा और बताया जा रहा है कि ये फोन दुनिया का सबसे पहला वाइड एंगल का एपर्चर वाला फोन होगा, जिसमें आपको F1.5 का एपर्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आई होप इससे बहुत अच्छी फोटोज आने वाली है, बट पता नहीं ये फोन इंडिया में कब लॉन्च होगा। दोस्तों गैजेट टॉक्स के एपिसोड में आज इतना ही। अगर आपको मेरी अपडेट्स पसंद आती है तो मेरी हर अपडेट पर लाइक का बटन दबाइए, इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कुछ नई अपडेट्स के साथ नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।